सरप्राइज इसी के लिए हम आए थे यहाँ पे। फिलहाल हम इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं चलाने में कैसा मजा आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। एक लाइन मुझे याद आ गई, पगली चार टायर की गाड़ी लेके क्या इकरार करती है, हम तो चार टायर गाड़ी के ऊपर लेके घूमते हैं, चार टायर हवा में रहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सिटी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हम अपना व्लॉग स्टार्ट। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मैं घर आया था और शादी पे गया था, वहाँ से भी वापस आया था अच्छे से। तो अभी टाइम आ गया सुबह के 7:30। कल हम जल्दी से जल्दी घर से निकलते हैं, हम पहुँचते हैं काश प्रिंस के पास क्योंकि उसको भी साथ लेके जाना है। तो आज हमें जाना है पांपोर और लैतपोरा, वहाँ पर हमें थोड़ा काम है और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। तो चलो फिलहाल हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें 9 बजे से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गया। रास्ते में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ले लिया क्योंकि थोड़ा जल्दी था इसीलिए। तो अभी मैं पहुँच गया काश प्रिंस के गाँव में, अभी मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस हमें अपने घर जाना है, वहाँ पे चाय पी के और कपड़े भी थोड़ा साथ लेके जाना है, उसके बाद ही निकलते हैं। सर खुशवास थैंक यू सर। ये आप देख सकते हो, ये बंदा देखो कितना क्यूट लग रहा है आज। बस भाई काम कर, मेहरबानी कर। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप देखो मेरा घर कहाँ पे है, मुझे वहाँ से आना पड़ता है। मतलब आप लोकल गाड़ी में आ सकते थे वहाँ तक, फिर वहाँ से एक साथ जाते। भाई देख, मैनेजर की इज्जत कर नहीं पाते, ठीक है। हाँ। मैं तेरा मैनेजर हूँ, तो तुझे तो मेरे लिए आना ही है भाई। तो चलो फिलहाल हम जल्दी से जल्दी घर पहुँचते हैं, वहाँ पे थोड़ा चाय पीते और कपड़े वगैरह और भी साथ लेके जाना है, उसके बाद हमें दूसरी BMW में जाना है, इस लोकल गाड़ी में नहीं जाएंगे। खटखटारा नहीं है भाई, मतलब ये गाड़ी, इस गाड़ी में क्या जाओगे, मुझे शर्म आती है। मतलब मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी रखा है, ये बंदा सिर्फ मुझे टसने करने के लिए आया है, और कुछ नहीं। ऐसी बात टसने कर रहा है भाई, माफ कर दे भाई, गलती होगी, मैं आज आपके साथ आया भाई, आप ही मेरे मैनेजर हो, मैं नहीं आपका। दबन सर इट मीन्स इधर दूसरी गाड़ी नहीं है, हमें इसी में जाना पड़ेगा, इसी से गाँव मन में। अभी हम चाय पी के निकल गए, अब बस निकलते हैं, ये गाड़ी हमें यहाँ पे रखनी है। फाइनली गाइस हम गाड़ी लेके आ गए, आप अंदाजा लगा सकते हो गाड़ी कितनी हेवी होगी, ये देख सकते हो, क्योंकि जो हमारा साहब है ना उसके लिए थोड़ा हेवी गाड़ी लाना पड़ा मुझे। ये देख सकते हो आप, अंदर का लुक पहले देखो। थैंक यू सो मच भाई, कितनी हेवी गाड़ी है भाई यार। हेवी का तो ठीक था भाई, मगर डर लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका कहीं टायर वगैरह ना निकल जाए, टायर भी चलेगा ब्रो। अब मैंने जहांगीर भाई से गाड़ी ली क्योंकि आप सोच रहे होगे सेठी भाई आप इस गाड़ी में क्यों गए, घर वालों को श्रीनगर जाना था हॉस्पिटल क्योंकि बाबा के पास जाना था, इसीलिए मैंने उनको बोला आप उस गाड़ी में जाओ, मैंने जहांगीर भाई से गाड़ी ली, अब इसी में हम जाएंगे। यार कोई मसला नहीं है, इसमें भी हम पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब हम ऐसी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, इससे पहले तो था ही नहीं कुछ हमारे पास जब उस टाइम। इसमें क्या है, शुक्र अल्लाह का ये भी मिली है। हाँ हाँ, तो अब हंसी मजाक तो बनता है यार, एक अच्छे दोस्त के साथ बड़े दिनों के बाद, तभी तो मजा आता है, अगर नहीं रखनी तो। हमारी BMW में तेल ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ पे तेल डालते हैं, ज़्यादा नहीं 500 का डालना क्योंकि यार फिर साहब नाराज़ हो जाएगा रास्ते में अगर तेल ख़त्म हो गया तो। अभी हम पुलवामा पहुँच गए, बट हमें कपड़े घर में भूल गए इस बंदे की वजह से, अब मुदर इसको कुछ याद ही नहीं रहता। अब मुदसर भाई को फ़ोन किया, उसी के शॉप के पास रुक गए, कंप्यूटर वर्ल्ड पुलवामा, अब उसको बोला थोड़ा कपड़े लाओ, उसी का इंतज़ार कर रहे और लेट भी हो गया क्योंकि वो फोन पे कॉल कर रहे हैं, अभी इनको पता नहीं हमें कहाँ पे जाना है, हम वहाँ पहुँच के ही बताएंगे। धन्यवाद सर जी, हमारे वालेकुम सलाम, हमारे कपड़े आ गए, क्या नाम विलागर लिखित सर, थैंक यू सर, सर क्या नाम है शॉप का, वियर अप, चलो ठीक है।
वियर अप, अच्छे कपड़े लाए। चलो आप भी आओगे हमारे साथ? नहीं, चलो आ जाओ, मैं वहां उतरूंगा नीचे। चलो तो चलो, हमारा आपको क्या करना है। और हमारा सर बहुत ही ज्यादा खुश है। सर हमें किस रास्ते से निकलना है? राइट राइट राइट, मुझे रास्ते लेथपोरा जाना है ना, सैफरान सैफरान इलाके में जाना है। और हमारे साथ मुदस्सिर भाई भी है। तो अभी मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है किस काम के लिए जा रहे हैं, क्या करना है। वहाँ पहुँच के ही पता चल जाएगा क्या करना है। ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते ना बता सकते। ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि अचानक से सरप्राइज आ गया है कि नहीं? चलो हम सरप्राइज दिखाएं। ये है सरप्राइज आप लोग के लिए। ये रहा आप सबका सरप्राइज, इसी के लिए हम आए थे यहाँ पे। फिलहाल हम इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं चलाने में कैसा मजा आएगा। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम सोलो चक्कर ड्राइव करना है, देखते हैं कैसा रस्मा रहेगा, कैसा मजा आएगा। पर गाड़ी बहुत लंबी है, चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। पीछे देखो पीछे कितनी लंबी है। मुदस्सिर भाई इसके एक लाइन आप थोड़ा नजदीक आ जाओ, एक लाइन मुझे याद आ गई। पगली चार टायर की गाड़ी लेके क्या इकरार करती है, हम तो चार टायर गाड़ी के ऊपर लेके घूमते हैं, चार टायर हवा में रहते हैं। अंदर से दिखा थोड़ा सेठी भाई। हाँ, अब मैं अंदर से दिखाऊंगा। हेरा अंदर का लुक। और अरे भाई यहाँ पे ये देखो अंदर का जगह, कैबिन वगैरह कैसा है। तो चलो फिलहाल हम इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं चलाने में कैसा मजा आएगा। रिवर्स जाना है, इधर से इधर डाल के रिवर्स पीछे ले जब आए हैं महेंद्र का ऐड करने हैं और इसका शूट हो रहा है यहाँ पे। ये सेठी भाई है और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं स्क्रिप्ट वगैरह। तो सेठी भाई इनके साथ तो निकलते हैं हम यहाँ पे शूट करने। अब यहाँ महेंद्र के शो रूम में शूट होगा। चलिए तो चलो जी आप बस निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया। और बाकी सब जो आपने पीछे गाड़ी देखी है महिंद्रा ब्लाजो एक्स की, हम इसका खाली प्रमोशन करने के लिए आए थे क्योंकि आपको पता ही होगा बाइक की हालत ख़राब चल रही है। बट सोच रहे हैं नया गाड़ी लेने का क्योंकि अभी जैसी हालत ठीक हो गई उसके बाद इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो गाड़ी लेना ही लेना है। बट हमें तो 14 चक्का गाड़ी का ड्रीम है, तो 16 हम नहीं लेंगे फिर। मतलब फिर भी वो उसी टाइम देखते हैं कौन सा बेटर रहेगा। तो चलो आप बस निकलते हैं। ये पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, बिल्कुल नई गाड़ी है, अभी नंबर भी नहीं चढ़ा गाड़ी पे। तो चलो हल्ला इसको सलामत रखे जिसका भी है। हम बस ऐसी ऐड करने के लिए आए हैं, मतलब एडवर्टाइज़ करने के लिए आए थे इस गाड़ी को। तो चलो अब बस हम घर निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखो ये री बाइक की गाड़ी महिंद्रा ब्लाजो एक्स 16 चक्का, एकदम जकास गाड़ी है। तो चले अब हम अपने घर की तरफ जाते हैं, देर हो गया। बाकी जो मैंने आपको सरप्राइज़ वगैरह बोला और थंबनेल टाइटल वगैरह देख के दुखी मत हो जाना क्योंकि इंशाल्लाह तुम्हारा भाई लेगा ही ज़रूर गाड़ी।
क्योंकि आपको पता ही होगा थोड़ा घर के हालात ख़राब चल रहे हैं, इसीलिए फिलहाल रुक के भाई ऐसे तो बदनाम हो गए, इसीलिए तो ये सब देखना पड़ता है। कायल ना रोजी अरमान।